से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु। ओम शांति। आज की 35 की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। बाबा वैरायटी प्रकार के पॉइंट्स देते हैं, अर्थात ज्ञान के खजाने देते हैं, वो स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो, बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर है, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। गीत है, नए नहीनों को राह दिखाओ प्रभु। ये कुर्सी ले आपको बैठने के लिए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। क्या कहते हैं, सरल रास्ता है बाबा कहते हैं, ऐसे बताया भी जा रहा है, लेकिन सरल रास्ते से न चलने से क्या मिलती है, ठोकरे। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते, बहुत सहज है। बाप कहते दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वो भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो, वो है शरीर की यात्रा, जगह जगह पर जाना, तीर्थ यात्रा पर जाना। बाबा कहते हैं तुमको यहाँ तो एक जगह बैठ के बाबा को याद करना है, वो भक्ति मार्ग। यह भी बाप ने समझाया है, दैवी गुण धारण करने हैं। क्या कहते हैं, याद की यात्रा के लिए भी दैवी गुणों की आवश्यकता है। शैतानी अवगुणों को ख़त्म करते जाओ, कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। बाप आए हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वो बाप को और राजा को देख खुश होगा ना? बल राजा ही है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि होते हैं आज के दुनिया में। भले कईयों के पास धन दौलत है राजा है, परंतु शारीरिक बीमारियां उससे भी तकलीफ है, दुख है। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाकर राजा ही करेंगे। वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, वहाँ एकदम सुख शांति की दुनिया, दुख अशांति का नाम निशान नहीं।
तुम्हारी बुद्धि में रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र के बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ये ज्ञान नहीं था। बाबा का परिचय नहीं था तो हमारे पास भी ये ज्ञान नहीं था। बाप को हम नहीं जानते थे, मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं। सूरज नहीं तो चांद का ही महत्व, ज्ञान नहीं तो भक्ति का ही महत्व रहेगा। अनेक प्रकार के भक्ति करते रहते हैं, उनमें सब स्थूल बातें, भौतिक बातें, स्थूल बातें, सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर जाने जा अमरनाथ की यात्रा पर जाएंगे तो वो क्या हो गया, स्थूल यात्रा हो गए ना। वहाँ भी वो लिंग है, मोटा रूप है, किसके पास जाते हैं? मनुष्य कुछ भी नहीं जाते समझते। भले जा रहे हैं अमरनाथ की यात्रा पर, लेकिन वो कौन है, किसके पास जा रहे, इसलिए जा रहे, कुछ पता नहीं। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। बाबा ने धक्कों से छुड़ा दिया। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ यह वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वह ही सुख। जब दुख होता है तो भक्ति करते हैं, सतयुग में सुख ही सुख है। जहाँ भक्ति है वह दुख है। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। संगम युग आता है फिर स्वर्ग आता है, तो बाबा कहते स्वर्ग का गेट बड़ा क्लियर है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। संगम का भी अंतिम समय आया है, अब जाना है घर पर, आना है सतयुग में, बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, सतयुग में बहुत थोड़े, 9 लाख होते हैं। आज देखो 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं की पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। भक्ति मार्ग में यात्राओं पर भी जाते, साधु संन्यासियों के पास जाते, दान पुण्य करते, फिर भी पुकारते रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति की राह चाहते हैं। ये पुरानी दुख की दुनिया है। हाँ बाबा क्या कहते, पुरानी दुख की दुनिया है। सो भी तुम जानते हो, मनुष्य को पता ही नहीं। कलयुग की आयु 1000 वर्ष कह देते तो बेचारे अंधकार में है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो जानते हैं बरोबर। हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे बैरिस्टर योग, इंजीनियर योग होता है ना, पढ़ने वालों को टीचर की याद रहती है। बैरिस्टरी के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टरी बन जाएगा, यह राजयोग है। इस राजयोग के ज्ञान से राजा ही पद पाएंगे। हमारी बुद्धि का योग है परमपिता परमात्मा के साथ, इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। सतयुग की दुनिया में चलना है ना, देवता है कैसे हैं, बहुत गुणवान हैं, फर्स्ट क्लास हैं, मीठे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोई को भी दुख न मिले, चाहते भी है ना किसको दुख न देवे। क्या कहते, चाहते भी हमसे किसी को दुख न मिले, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देती है।
चलते चलते देहाभिमान में आते हैं तो क्या करते हैं, नाक कान से पकड़ भूल करा देते हैं, फिर अंदर पछताते हैं, हमने नायक उनको दुख दिया। क्या कहेंगे, हमने नायक उनको दुख दिया। परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई, रियलाइज तो किया परंतु रजिस्टर तो खराब हो गया। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख न देवे। बाप आते हैं हमको ऐसा देवता बनाने, ये कभी किसी को दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देता है ना लौकिक टीचर भी, ये भी टीचर बन के पढ़ाता है, ये थोड़ा दुख देता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये कभी किसको दुख तो नहीं देते हैं दुख। बच्चे, हाँ बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि देते होंगे आजकल के, अभी बंद किया लेकिन पहले दे देते थे सजा बच्चों को। कहते बच्चे नहीं पढ़ते तो कोई सजा आदि देते हैं, आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया, अभी बच्चों को मार नहीं सकते। पहले के ज़माने में टीचर लोग बच्चों को मारते थे, उठ बैठ करने लगा देते थे, लेकिन अभी कायदा है तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर सिखलाना, फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उच्च पद पाएंगे। क्या कहते हैं, जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो अच्छी तरह से ऊंचा पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। क्या करेंगे, खुद ही फेल हो जाएंगे, उनका पद ही छोटा रहेगा। ये बाप भी रोज आकर पढ़ाते, शिव बाबा रोज आकर पढ़ाते हैं, मैनर सिखलाते हैं, सिखलाने के लिए क्या कहते हैं, मैनर सिखलाते हैं, सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का भी प्रबंध रहता है, कैसे बच्चे दूसरों को कैसे पढ़ाएंगे कैसे समझाएंगे उसके लिए बाबा प्रदर्शनी रखता है, और एक एक चित्र पर बाबा समझा देता है, तुम भी ऐसे औरों को समझाओ, तो बाबा प्रदर्शनी का प्रबंध करता है। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हाँ शुरू शुरू में क्या था, प्रदर्शनी भी रखे तो हैंड्स भी चाहिए समझाने के लिए, इसलिए प्रोजेक्टर, छोटा प्रोजेक्टर मिलता है, उसमें स्लाइड डालनी होती है और उस स्लाइड के द्वारा लोगों को समझाना होता था। शुरू में यहाँ औरंगाबाद में शुरू ऐसी सेवा होगी, प्रोजेक्टर हमारे दीदी ने हमको प्रोजेक्टर दिया था, छोटा सा स्लाइड दी थी ब्रजेंद्र दादी जी ने, तो हम क्या करते थे, जहाँ तक जाती थी तो वो मंदिर में जाते थे, फिर क्या करते थे दीवार पर ही क्या करे प्रोजेक्टर का प्रकाश डालते थे और स्लाइड लगा देते थे और उसके ऊपर एक एक चित्र पर समझाने देते थे। तो पहले पहले सेवा प्रोजेक्टर के द्वारा, प्रोजेक्टर से हुई, धीरे धीरे भाई बहन बढ़ते हैं फिर प्रदर्शनियाँ कर सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शनी में गाइड चाहिए समझाने वाले, तो फिर हाँ प्रवचन होते थे, फिर स्लाइड के द्वारा समझा जाता था, फिर प्रदर्शनी के द्वारा, धीरे धीरे फिर विहंग मार्ग की सेवाएं बढ़ती गई। तो इसलिए बाबा कहता है क्या करते थे, सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हाँ हर एक बात बाप बहुत ही सहज कर बतलाते हैं, अमरनाथ की भी सर्विस सहज है, चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ज्ञान और भक्ति क्या है, ज्ञान इस तरफ भक्ति उस तरफ, उनसे स्वर्ग उनसे नरक, बिल्कुल क्लियर बाबा बिल्कुल क्लियर समझाता है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो ये बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, पढ़ते भी हो और पढ़ा भी लेते हो,
परंतु याद की यात्रा कहाँ, क्या चाहिए, याद की यात्रा चाहिए। यह है सारी बुद्धि की बात, हमको बाप को याद करना है। कैसे है बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि की यात्रा है, बुद्धि से हर बात समझना है, बुद्धि से ही बातें ग्रहण करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि बाप में लगानी है, एकाग्र करनी है, इसमें ही माथा फतका माया मत फतकाती है। हाँ, बुद्धि को ही बाबा क्या कहते हैं, माया क्या कराती है, फतकाती है, एकदम तोड़ देती है। हाँ, बुद्धि को भटकने की आदत थी ना, तो अभी बाबा को याद करते तो माया क्या करते, बुद्धि को तोड़ देती है। बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमज़ोर हो, अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमज़ोर हैं, समझते इनमें यह ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसलिए महारथी हैं। बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादी है, महारथी वह जो याद में रहती हैं, उठते बैठते याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा याद की यात्रा हम कितनी करते हैं। बाबा खुद बतलाते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, साकार बाबा अनुभव सुना रहे, मैं भी याद की यात्रा का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है, बाबा अनुभव बताते हैं। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रत रहती है, इतने सारे बच्चों की जिम्मेवारी, सारी फिक्रत रहती है, और सर्व आत्माओं को कैसे संदेश मिले, ये बाबा को फिक्र। तुम तीखे जा सकते, बाबा बच्चों को क्या कहते, तुम तीखे जा सकते, फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी, कोई पर क्रोध किया लून पानी हुआ तो गोया असुर बन गया। सब बाबा बताते, जैसा कर्म वैसी रिजल्ट। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, बाबा पुरुषार्थ कराता रहता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए। क्या बाबा कहते हैं, कुमारियों को निश्चय चाहिए, हिम्मत चाहिए, मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई भी चाहिए। कहते हैं मेन क्या चाहिए बाबा के पास आने के लिए, अंदर की सच्चाई, सच्चे दिल पर ही साहेब राजी होगा। इसलिए बाबा कहते हैं अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चल ना सके। कुमारियों, माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने के स्वरूप में लग जाना चाहिए, इसमें मेहनत है। इसलिए कहते हैं बाबा के साथ सच्चाई से रहो। मेहनत बिगर कुछ भी मिलता नहीं है, दो रोटी के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं मेहनत बिना कुछ भी मिलेगा नहीं, तुमको 21 जन्मों के लिए राजा मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देता है क्योंकि नए नए कन्या होती है, तुरंत नए सेवा केंद्र पर रखते हैं। बाबा देखता है नौकरी भी करो पढ़ाई भी करो, फिर चलन देख के फिर बाबा सेवा में लगा देता है। इसलिए बाबा कहते हैं वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाए, ऐसा ना हो फिर दोनों जान से चला जाए, नौकरी भी छूटे पढ़ाई भी छूटी और इधर भी नहीं चल पाए। इसलिए बाबा कहते नहीं पढ़ो, थोड़ा अपने पैर पर खड़ा रहो, फिर बाबा सेवा में लगा दे। क्योंकि बाबा तो कहते हैं कन्या और माताओं ने ही क्या करना है, स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, ऐसा ना हो फिर दोनों जहान से चले जाए, कोई के नाम रूप में लटक रहे, लटक कर मरते तो खत्म हो जाते हैं। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं।
बाप रोज रोज समझाते हैं, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, भान छोड़ो। क्या कहते हैं? शरीर छोड़ा नहीं, भान छोड़ो, माना जो अंदर व्यर्थ निगेटिव संकल्प चलते हैं उसको फिनिश करना है। हम अशरीर आत्मा अब घर जाते हैं, ये शरीर यहाँ छोड़ देना है। वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रह कर्मातीत हो जाए, कंडीशन है। क्या कहते हैं? जब निरंतर बाप की याद में रह कर्मातीत हो जाए, इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसके तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीर आए थे, अशरीर हमको जाना है। फिर सुख के कर्म बंधन में, सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में आए, सत्युग त्रेतायुग में सुख के कर्म संबंध, फिर द्वापर कलयुग में दुखों के कर्म बंधन। इसलिए बाबा कहते फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण के राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाप कहते हैं अशरीरी होकर जाना है, मेहनत है, अशरीरी बनने के लिए मेहनत है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, आत्मा ही पतित बनिए ना। आत्मा कहती है पतित पावनाओ, अभी तुमको पति से पावन होने की युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं। आत्मा है या अविनाशी, तुम आत्मा या शरीर में आए हो पार्ट बजाने, यह भी अब बाप ने समझाया है। जिनको कल्प पहले समझाया है वही आते रहेंगे, संदेश सबको देंगे, लेकिन कल्प पहले वाले बच्चे बाबा के घर में पहुँचेंगे। अब बाप कहते कलयुगी संबंध भूल जाओ, अब तो वापस जाना है, ये दुनिया ही खत्म होनी है, इनमें कोई सार नहीं है। रोज बाबा, एक दिन ऐसा नहीं हो जाता है जिसमें बाबा दुनिया के बारे में कहता हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, विनाश होना है, कोई में इनमें कोई सार नहीं है। तब तो धक्के खाते रहते हैं, भक्ति करते भगवान से मिलने, समझते भक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सद्गति में ले जाएगा। क्या कहते, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा, अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होते, ये जरूर है। भक्ति का फल ही भगवान आके हमें ज्ञान देते हैं और ज्ञान से हमें अपनी सद्गति करनी है। परंतु आज भी कई भक्त भक्ति कर रहे हैं, वो पहचाने बाबा को, हाँ तो उसको भक्ति का फल मिल जाएगा। एक क्लास में कितने जन्म बैठेंगे, अगले क्लास में ट्रांसफर होना है कि नहीं होना है। इसलिए बाप को पहचानो, पढ़ाई पढ़ो और सद्गति को पाओ, अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है। तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान ये भक्ति के अक्षर भी ना निकले, ये बंद होना चाहिए। हे भगवान माना दुख का शब्द है, इसलिए बाबा कहता भी तुम हे भगवान हे शिव बाबा भी नहीं, वाह बाबा वाह ड्रामा ऐसे बोलेंगे। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, ये दुनिया ही तमु प्रधान है, सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। सतयुग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती है। सतयुग है चढ़ती कला, अभी हम चढ़ती कला में जाएंगे, फिर सतयुग से फिर उतरती कला, एक जन्म से फिर उतरती कला। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है, स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। त्रेता को बाबा कभी कभी सेमी स्वर्ग बोलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है, अर्थात शुरू आदि अर्थात शुरू, मध्य फिर अंत, मध्य हाफ है, द्वापर को मध्य कहेंगे हाफ, फिर अंत, मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। बाप भारत में आते हैं, भारत ही पतित और पावन बनता है,
84 जन्म भी भारतवासी ही लेते हैं, बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता है फिर उस समय ही आएंगे, हाँ झाड़ वृद्धि को पाता है फिर उस समय आएंगे, अपने अपने समय अनुसार नीचे आते रहेंगे। ये बातें और किसके बुद्धि में नहीं होंगी, तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते हैं। हाँ बाबा के बच्चे भी नंबरवार हैं, ये 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी में रहेंगे, हाँ क्योंकि ड्रामा पूरा हुआ है, अभी घर चलना है। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए, सच्चा सच्चा माशुक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे वो आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने। देखो बाबा गाड़ी कर करते चलना है चलना है, मैं आया हूँ घर ले चलने के लिए। सचमुच तैयारी हो रही है हम सबकी, हाँ बाबा देखो चलना है, इसलिए हमारा बुद्धियों सब तरफ से निकल जाए, एक पाप में ही लगी रहे। कितना बाबा याद दिलाते, बच्चे घर चलना है घर चलना है, मैं आया हूँ वापस ले चलने। मनुष्य मात्र यह नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है शांत स्वरूप, यह अर्गस मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। आत्मा को शरीर मिलता है तब आत्मा शरीर द्वारा कर्म करती है। बाप जो शांति का सागर है वह सबको ले जाता है तब सबको शांति मिलेगी। परमधाम में भी शांति है, फिर सतयुग में वहाँ पर भी शांति है तो सुख भी है। सतयुग में तुमको शांति भी है तो सुख भी है, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है, यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि दिया भी मन में रहते हैं, देही अभी मन होते नहीं। बाप शांति तो सबको देता है ना, हाँ बाबा ने स्वधर्म का परिचय दिया है, शांति तो तुम्हारे गले का हार है, सबको परिचय दिया है ना? सिर्फ स्वधर्म में स्थित होना, बाबा को याद करना, तो क्या हो जाएगा, सदा की शांति ही रहेगी। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ, इस समय सब अशांत है। सतयुग में तो इतने धर्म होंगे नहीं, देखो सारी दुनिया अशांत है, सतयुग में इतने धर्म होते हैं ना, एक धर्म है, इसलिए अशांति का प्रश्न नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। एक धर्म होने से सभी धर्म परमधाम में रहेंगे, वहाँ दिल भर कर शांति मिलेगी। हाँ आधा आधा कल्प तो परमधाम रहेंगे ना, फिर अपने समय पर द्वापर युग से एक एक धर्म पिताए नीचे आएंगे, दिल भर के शांति मिलेगी उनको। तुमको राजय में शांति भी है तो सुख भी है, सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब है, सब मिलते हैं तुमको, पवित्रता सुख शांति सब कुछ सतयुग में है। मुक्ति धाम कहाँ जाता है स्वीट हूँ, वहाँ पति दुखी होते नहीं हैं, दुख सुख की कोई बात नहीं, तो शांति का अर्थ नहीं समझते हैं। रानी के गले का हार की कहानी बाबा सुनाते ना, क्या कहते हैं, कहते रानी के गले में हार था, लेकिन वो सारे घर पर ढूंढ रही थी, लेकिन जब आईने में देखा तो पता चला हार तो मेरे गले में पड़ा है। वैसे ही बाबा कहते हैं शांति के लिए कितना तीर्थ यात्रा यज्ञ तप दान पुण्य करते रहते हैं, हाँ ढूंढते रहते हैं, परंतु आत्मा का स्वधर्म शांति है ये पता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते शांति तो मेरे गले का हार है, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरी स्थिति है, शांति मेरा गुण है, शांति के सागर की मैं संतान हूँ, शांति धाम के रहने वाली हूँ, और शांति के वाइब्रेशन सबको देने वाले हूँ। इसलिए आत्मिक स्मृति में स्थित रहना, तो स्वधर्म में स्थित रहेंगे तो शांति हमारे पास ही है,
चारों तरफ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, शांति सुख सब लो, ऐश्वान भव। हाँ, क्या कहता है, ईश्वान भव। सत्युग में कितनी आयु रहती है हमारी, 150 साल की। वहाँ कायदे अनुसार बच्चा भी होगा, बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार से शरीर छोड़ना और साक्षात्कार से शरीर मिलना, इसलिए बाबा कहते हैं शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है। अब जाके जो छोटा बच्चा बनूंगा, और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम यह बनूंगा, हाँ, बाबा को लगता मैं अभी जाके मिचनू बनूंगा, छोटा श्री कृष्ण बनूंगा। बाबा को नशा रहता था, अभी पढ़ रहा हूँ, फिर जाके बच्चा बनूंगा। तुम भी जानती हो हम सत्युग में जाएंगे, संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में यह रहता है, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। इतनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी, जितनी ऊंची पढ़ाई उतनी ऊंची खुशी। हमको भगवान पढ़ाता है, एक ऑब्जेक्ट सामने है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। श्री लक्ष्मी श्री नारायण हमारा एम ऑब्जेक्ट है, अभी हम पढ़ाई करेंगे और पद पाएंगे तो बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु चलते चलते गिर भी पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस बुद्धि को तब पाएंगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी। बाप कहते हैं आपस में, एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी कट्टे जल पीते हैं। वहाँ तो हर एक चीज़ देखने से दिल खुश हो जाती है, नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारिया लौकिक माँ बाप को बोले, अभी हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, सतयुग में जाना है हमको, इसलिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र तो ज़रूर बनना है हमको। बाप कहते काम महाशत्रु है, अब मैं योगिन बनी हूँ इसलिए पतित नहीं बन सकती हूँ। ऐसे लौकिक माता पिता को क्या कहते हैं, निर्भय होके निश्चय से बोल सकती है। परंतु चाहिए नष्ट मोहा, कंडीशन फिर क्या चाहिए, वही बोलेंगी जो नष्ट मोहा है। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए। परंतु बहुतों को घर की बच्चों आदि की याद आती रहती है, फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा। इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, मरने वाले की दुनिया मरी पड़ी है, तो जीते जी मरो, हाँ दुनिया तो खत्म होने वाली ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीर बनने का अभ्यास करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीर बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए, यह है मेहनत करनी। दूसरा है, अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्ट मोह बन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। वरदान है,
अपनी महानता और महिमा को जानने वाले को, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। इसका क्लियर। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबर वार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं भी लास्ट नंबर के मनके को आंखों पर रखते हैं, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन हैं। जिसने एक बार मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी वरदान मिल ही जाता है। स्लोगन है, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियाँ बदल जाएगी। कहते ना, स्वस्थिति से परिस्थितियाँ पार हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, क्या करो, सदा स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट। सबसे बड़ा धन संतुष्टता का है, तो परिस्थितियाँ क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ के बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। शब्दों में आपका धन्यवाद कर।
तक भी आ रहे हो, रथ को संभालते भी वादा निभा रहे हो। ऐसे ही प्यार पर जा निसार साथ है।